माल जंक्शन का मेन गेट, यहाँ पे थाना जीआरपीएफ भी है, अगर आप देख पा रहे हैं जीआरपीएफ, और यहाँ पे भोपाल रेलवे स्टेशन के सभी एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यालय हैं। आप इस रोड पे आप देख रहे हैं, इसे कोच फैक्ट्री रोड भी कहा जाता है। आगे भोपाल में यहाँ पे कोच फैक्ट्री में कोच का निर्माण किया जाता है। अब हम आपको धीरे धीरे भोपाल जंक्शन के अंदर की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं आप भोपाल जंक्शन, ये देखिए एक ट्रेन आ रही है, अगर आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पे SBI ATM और पंजाब नेशनल ATM दोनों है, और ये रिजर्वेशन सेंटर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे विंडो टिकट बनाया जाता है, ये आप देख रहे हैं कितना बहुत ज़्यादा स्पेस है, और यहाँ पर आप पार्किंग सुविधा उपलब्ध है, देख रहे हैं यहाँ पे फोर व्हीलर पार्किंग है। अगर आप अपने गेस्ट रिलेटिव को छोड़ने आते हैं तो आपको पार्किंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का अद्भुत नज़ारा ये आप देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको होशंगाबाद, इटारसी, नागपुर, जबलपुर सभी रूटों के लिए ट्रेनें अवेलेबल हो जाती है, ये आप देख रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप अभी फूड प्लाजा देखेंगे, फूड प्लाजा अगर आप घर से खाना नहीं ले आते तो आप खाना यहाँ से पैक करा सकते हैं, ये देखिए फूड प्लाजा, और ये आपको ट्रेन में भी ला के देते हैं। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेज़ी से, और यहाँ पे अभी आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि जो भोपाल स्टेशन बन के और अच्छे से तैयार होगा और उसका अद्भुत नज़ारा होगा। यहाँ से हम अब पार्किंग तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आप खूब सारी पार्किंग कर सकते हैं, यहाँ पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उसका नज़ारा हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में ज़रूर बताएंगे। ये अब हम यहाँ से धीरे से ISBT बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ भी काफ़ी सारे होटल्स हैं रुकने के लिए, खाने के लिए, आप विजिट जब भी करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख रहे हैं रेलवे का डाकघर है, यहाँ से सभी तरह की स्पीड पोस्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती है। आप देख रहे हैं मेरे सामने एक ट्रेन लोकमान्य तिलक से वाराणसी, ये अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ रही है। और ये देख रहे हैं आप टू व्हीलर पार्किंग, ये टू व्हीलर पार्किंग है दोस्तों, यहाँ पर आप आएंगे आपकी टू व्हीलर हमेशा सेफ रहेगी। यहाँ पेड पार्किंग है जो पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल की द्वारा चलाई जा रही है। अब हम आ गए वो चौराहा, अगर आप रेलवे स्टेशन से जस्ट 100 मीटर की दूरी से आते हैं पैदल तो आपको यहाँ से ISBT जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, मेन रेल हबीबगंज रेलवे स्टेशन जाने के लिए दिक्कत नहीं, यहाँ से SRA। आइए देखो दोस्तों रेलवे स्टेशन से आप जैसे ही बनेंगे इसमें हमारा भोपाल कहके लिखा हुआ है, ऑटो, मैजिक, आपे सब चीज़ अवेलेबल है।
अभी हम आपको फेमस रेस्टोरेंट के बारे में बताएंगे। यहाँ दोस्तों देखिए फेमस रेस्टोरेंट है, ये लैंडमार्क है, और आप इस तरह देखेंगे बादस्तूर और सिगड़ी, यहाँ पे नॉनवेज मिलता है आपको, देख लो। ये देखिए बादस्तूर का बोर्ड और यहाँ पे सिगड़ी, यहाँ पे बहुत ही अच्छा नॉनवेज मिलता है। और इस तरह एक न्यू फेमस जूस एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे बहुत अच्छा जूस और चाय, हर तरह का नाश्ता अवेलेबल है, आप देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे लेफ्ट साइड में थाना अशोका गार्डन है, मैं आपको अशोका गार्डन थाने में बताऊँ, ये आपको लैंडमार्क है जिससे आप भूल नहीं पाएंगे कि आप सही रास्ते में जा रहे हैं। और आपको एक लैंडमार्क बताने जा रहा हूं, ये पानी की टंकी, ये देखिए यहां से ही आपको रायसेन रोड सुभाष नगर सब जगह के लिए बस अवेलेबल है, ऑटो अवेलेबल है। और ये देखिए परिहार चौराहा, लैंडमार्क के लिए आपको याद रखना है परिहार चौराहा। और ये रहा प्रभात स्क्वायर, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने मंगल मूर्ति, एक बस ट्रेवल्स की बस से चल रही है। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू आप देख रहे हैं, इसको प्रभात स्क्वायर कहते हैं। यहाँ से चार रास्ता जाती है, ये आप देख रहे हैं रायसेन के लिए, ये ISBT के लिए, ये जिंसी चौराहे के लिए, उधर से ओल्ड सुभाष नगर का बोर्ड अगर आप देख पा रहे हैं, ये आप प्रभात चौराहे पे खड़े। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
विपरीत, चेतक ब्रिज से ज्योति, एमपी नगर, न्यू मार्केट बहुत ही पास में। ये देखिए चेतक ब्रिज का नज़ारा, ये चेतक ब्रिज है। हम चेतक ब्रिज पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आईएसबीटी बस स्टैंड है। एसबीटी बस स्टैंड के पहले आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी नेक्सा का शोरूम है। देखो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए अंतरराज्यीय बस टर्मिनल्स आईएसबीटी। ये है खुशाभाऊ ठाकरे बस टर्मिनल्स। ये आप आईएसबीटी आ गए हैं और इससे थोड़ी दूरी पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो आपको आईएसबीटी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, मैंने बताया हुआ है। आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके सर्च करके आईएसबीटी बस स्टैंड भोपाल देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, बसें खड़ी हुई हैं SR8 जो आपको हबीबगंज रेलवे स्टेशन से मेन रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगी। और ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन के हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ जाएंगे। रास्ते में आपको देखिए सांची दूध डेयरी इंडस्ट्री पड़ेगी, जहाँ पे सांची दूध का निर्माण होता है। भोपाल में मैक्सिमम घरों में सांची दूध दिया जाता है। यह सांची भोपाल से 50 किलोमीटर दूर विदिशा रोड पर स्थित है। यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध के शिष्यों के अस्थि के निर्माण पर रख के बौद्ध स्तूप बनाया गया है। आप मेरे सामने बोर्ड पढ़ पा रहे हैं तो ये हबीबगंज स्टेशन की तरफ हम जाते दिख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं हबीबगंज स्टेशन। और ये आपको जो कंस्ट्रक्शन एरिया दिख रहा है, ये हम आ गए हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ये आप देख रहे हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नज़ारा, इसे बंसल ग्रुप द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत नज़ारा है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। और हम लोग हबीबगंज रेलवे स्टेशन आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।